नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निक क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम यानी कि AIP की, जो कि एक पनडुब्बी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि DRDO अपना स्वदेशी AIP सिस्टम को डेवलप कर रही है और 2024 से 25 के बीच इसे हमारी जो स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं उनमें इनको फिट किया जाएगा। दोस्तों क्या होता है AIP सिस्टम और किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस पूरे की पूरी वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा कि AIP के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिपोर्ट में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की। दोस्तों आपको बता दें कि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां को ऊर्जा देने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है और इन बैटरीज के माध्यम से ये जो पनडुब्बियां होती है वो अपना वाहन करती है यानी कि ट्रैवल करती है समुद्र के नीचे गश्त करने के लिए। और अगर वही बात की जाए न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की, तो ये जो सबमरीन्स होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए चलती हैं और लंबे टाइम तक ये पानी के अंदर बनी रह सकती है। लेकिन इसके उलट यानी कि इसके विपरीत जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं वो 4 से 5 दिन तक समुद्र में रह सकती हैं, उसके बाद उनको बैटरीज चार्ज करने के लिए वापस आना पड़ता है। तो ये मुख्य समस्या थी DRDO के सामने कि आखिर हमें कोई ऐसा प्रपल्सन सिस्टम यहाँ पे बनाना चाहिए जिसके वजह से जो हमारी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं वो लंबे समय तक उनका एंड्योरेंस बना रहे और पानी के नीचे वो गश्त कर सके। दोस्तों आपको बता दूं कि प्रपल्सन सिस्टम जो होता है खास करके जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का होता है उसको पावर देने के लिए डीजल इंजन की जरूरत होती है। सभी देश जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती है काफी कॉस्टली पड़ती है। ऐसे में इनकी खरीद करना एक अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है और काफी कॉस्टली होने के कारण इस तरीके की पनडुब्बियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है बैटरीज की। इसकी बैटरीज अगर आप ज्यादा समय तक अगर आप समुद्र के नीचे हो गश्त कर रहे हो तो उसकी बैटरीज के अंदर जो होती है वो ड्रेन होने लगती है और इसी वजह से इसको सतह पर आना पड़ता है ताकि ये चार्ज हो सके और फिर से समुद्र में जाकर अपना ऑपरेशन कर सके। और AIP की जरूरत यहां पर इसलिए पड़ी ताकि डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के नीचे बनी रहे और उन्हें बार बार सतह पर ना आना पड़े। तो इस वजह से DRDO ने एक इंडिजिनियसली AIP सिस्टम को डेवलप करने पर विचार किया। AIP टेक्नोलॉजी की यही खासियत नहीं है, आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि जो हमारी पनडुब्बियां जो 30 साल पुरानी भी हो चुकी है उन पर भी इस AIP सिस्टम को आसानी से फिट किया जा सकता है और इसे पनडुब्बी के हल सेक्शन में ऐड किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स प्रोपेलर और सभी जो विद्युत संबंधी चीजें हैं उन्हें ऊर्जा देने के लिए यानी कि पावर देने के लिए बैटरीज का इस्तेमाल करती हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि इन सब चीजों को करने के लिए उसको एक बार सतह पर आना पड़ता है। ये दो तरीके से खतरनाक भी हो सकता है। सबसे पहला ये है कि अगर कोई कॉम्बैक्ट ट्रोल हमारी पनडुब्बी कर रही है, खास करके डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कर रही है और इस दौरान उसकी बैटरीज खत्म होने लगती हैं या बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो उनको सतह पर आना पड़ेगा और ऐसे में जो मेन ऑपरेशन है वो छूट सकता है और हमारी जो पनडुब्बी है वो दुश्मन का शिकार बन सकती है। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये आ सकती है कि जैसी अगर हमारी पनडुब्बी सतह पर आती है, पानी की सतह पर आती है, उस दौरान ये रडार की पकड़ में आसानी से आ सकती है जिसके बावजूद भी इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और साथ ही नष्ट किया जा सकता है। और इस तरीके की समस्या को ध्यान में रखते हुए ऐसे सिस्टम की जरूरत महसूस की गई जिसके जरिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स सतह पर आए बिना ही और पानी के अंदर ही बिना इंजन स्टार्ट किए हुए इन बैटरीज को चार्ज कर सके। और एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम जो है वो इसी मैकेनिज्म पर भी आधारित है। दोस्तों AIP भी कई तरीके की होती है और इसमें जो DRDO जिसका इस्तेमाल कर रहा है वो कर रहा है फ्यूल सेल का इस्तेमाल। जी हाँ, फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्यूल सेल पानी और बाय प्रोडक्ट को रिलीज की जाने वाली हीट यानी कि गर्मी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर हो जाता है और हाइड्रोजन फ्यूल हो जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से सबमरीन की बैटरीज चार्ज होती है। जहां फ्यूल सेल पर आधारित जो ये AIP है उसका अपने फायदे हैं तो वहीं कुछ इसके अपने नुकसान भी होते हैं। दोस्तों फ्यूल सेल पर आधारित AIP जो हमारा प्रपल्सन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसको एक बार फिट करने के बाद जो इंजन है उसकी आवाज और कम हो जाती है और जिसके जरिए
इसके अंदर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि स्टिल्थ फीचर आ जाता है और फिर रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाती है। क्योंकि दोस्तों हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि पनडुब्बियों को इस तरीके से डेवलप किया जाता है कि उनको रडार की पकड़ में वो ना आ सके, तो इस तरीके की उनपे कोटिंग की जाती है। लेकिन आजकल कई अत्याधुनिक, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई अत्याधुनिक रडार्स हैं, जैसे आप P8I को ही ले लो, वो इस तरीके की जो पनडुब्बी हैं उनको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं इस AIP सिस्टम के नुकसान की। दोस्तों इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ती है और इसका रखरखाव करना भी एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम होता है। इस AIP के जरिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पानी के नीचे भले ही देरी तक बनी रह सके, लेकिन उसके लिए इसकी स्पीड को भी कम करना पड़ता है। और इसकी जो स्पीड होती है समुद्र के नीचे वो 10 नॉट तक हो जाती है, क्योंकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो कि फ्यूल सेल पर आधारित है उसके लिए ये जरूरी है कि पनडुब्बी की स्पीड को नियंत्रित किया जाए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि AIP की एक अपनी खासियतें भी है तो नुकसान भी है, तो उसका दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पनडुब्बी किसी कॉम्बैट रोल में नहीं है, यानी कि कोई वो युद्ध की, आप समझ सकते हैं कोई युद्ध वगैरह नहीं कर रही है, तो ऐसे में बैटरीज को चार्ज करने के लिए पनडुब्बी पानी के सतह पर आ सकती है। इससे क्या होगा, जो AIP सिस्टम है वो उसकी जो लगने वाली जो लागत है वो कम होगी। लेकिन जब कॉम्बैट रोल होगा उस दौरान भारतीय जो नौसेना है वो इसका इस्तेमाल कर सकती है पानी के नीचे बने रहने के लिए। तो अगर रेगुलर ऑपरेशन करने हैं, यानी कि अगर आप ये समझ सकते हैं कि रेगुलरली आपको गश्त करनी है, तब आप AIP का इस्तेमाल ना कीजिएगा। लेकिन जब कॉम्बैट रोल की बात आती है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो उसकी मेंटेनेंस ही बचेगी, दूसरा ये होगा कि कम से कम इसमें जो इतनी लागत आने वाली है, जो अगर इसका एक भी सिस्टम खराब हो जाता है तो वो काफी कॉस्टली पड़ सकता है। तो इस तरीके से भारतीय नौसेना को यहाँ पर दोनों चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा, दोनों चीजों को ध्यान में रखकर अपनी इन जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है उनका इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों तो ये है AIP सिस्टम के बारे में एक विशेष जानकारी, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्यादा टेक्निकल चीजें आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दोस्तों कई चीजें ऐसी होती है जो समझ से परे हो जाती हैं, और बेसिक चीजें समझने का मतलब ये होता है कि हमें इसके बारे में कुछ नॉलेज हो जाता है। अगर आप इसकी डीप इनसाइट बातें पता करेंगे तो बहुत सारी नॉलेज आपके सामने उभर कर आएगी, जो कि कुछ चीजें आपको खुद भी समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद ये रहता है कि उसके मेन मेन पॉइंट्स को कवर किया जाए। अब 2025 तक हमारे पास AIP सिस्टम आ जाएगा और ये सारी पनडुब्बियों में लग जाएगा। इससे हमारी नौसेना की जो क्षमता है उसमें एक इजाफा होगा। दोस्तों AIP सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।